एशिया कप 2023 के सुपर फोर मुकाबलों का आगाज हो चुका है और पहला ही मुकाबला पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच में खेला गया। ये मुकाबला काफी रोमांचक रहा, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इस मुकाबले में पाकिस्तान की बड़ी जीत के बाद सुपर फोर की पॉइंट्स टेबल में अब बड़ा बदलाव आ गया है। दरअसल पहले बात करते हैं इस मुकाबले में कैसे पाकिस्तान ने अपने नाम किया और उसके बाद बताते हैं पॉइंट्स टेबल को कैसे इस मुकाबले ने प्रभावित किया है, टीम इंडिया के लिए कैसे अब समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। आज बांग्लादेश क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी उतनी अच्छी चली नहीं। हाँ, अलग बात है कि शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम इन दोनों ने अर्धशतक की पारी खेली, जिसके दम पर एक सम्मानजनक स्कोर या ठीक ठाक स्कोर कहें 193 रन बनाए, वो भी 40 ओवर के अंदर अंदर, मतलब पूरे 40 ओवर भी नहीं खेल पाई बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ। और बांग्लादेश को बड़ी करारी हार का सामना इसीलिए करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने उस स्कोर को बड़े आसानी से चेंज कर लिया। वैसे अगर बांग्लादेश क्रिकेट टीम की बात की जाए तो इस मुकाबले को हारती है, बड़े मार्जिन से हारती है। पाकिस्तान के बल्लेबाजों की बात की जाए तो उन्होंने काफी अच्छा खेल दिखाया। अब वो चाहे इमाम उलक हो जिन्होंने 78 रन बनाए, हालांकि 35 रन पर पहला विकेट फखर जमान के रूप में उन्हें लगता है, 74 रन पर दूसरा विकेट बाबर आजम जिन्होंने महज इस मुकाबले में 17 रन बनाए, लेकिन उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने हाफ सेंचुरी खेली, इमाम उलक ने 78 रन बनाए और कुल मिलाकर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है इस मुकाबले को 10 से भी ज्यादा ओवर रहते हुए चेज कर लेती है और इस मुकाबले को जीत जाती है। पाकिस्तान के गेंदबाजों में हारिस रॉफ ने सर्वाधिक विकेट चटकाए हैं, लेकिन इस मुकाबले से एशिया कप की पॉइंट्स टेबल काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। दरअसल बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, तो सुपर फोर की पॉइंट्स टेबल है जिसमें चार टीमें जैसा आप जानते हैं क्वालिफाई कर चुकी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, और उसी का पहला मुकाबला पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच खेला गया। तो सुपर फोर की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर नाम बांग्लादेश क्रिकेट टीम का है। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी हार का सामना करती है और जिसकी वजह से इनकी नेट रन रेट भी बेहद ही ज्यादा खराब है, जो कि इन्हें आगे जाकर दिक्कत दे सकती है। और सही मायनों में देखा तो सुपर फोर में इन्होंने इसलिए जगह बनाई क्योंकि इनकी नेट रन रेट थोड़ी अच्छी थी बाकी टीमों के मुकाबले, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट टीम फिलहाल चौथे पोजीशन पर है और अब इनके लिए आने वाले दोनों मुकाबले डू एंड डाई के मुकाबले हैं, मतलब इंडिया वाला मुकाबला, श्रीलंका वाला मुकाबला इनके लिए मस्ट विन मुकाबला है, लेकिन नहीं लगता कि ये इंडिया के सामने इनका पलड़ा भारी रहेगा। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी अगर वो इंडिया के खिलाफ हार गए तो। लेकिन बात करते हैं तीसरे पायदान की टीम, तो नाम श्रीलंका का आता है, हालांकि इन्होंने कोई मुकाबला नहीं खेला है सुपर फोर में और ऐसा ही भारत के साथ है। भारत ने भी अगर आप देखेंगे इस पॉइंट टेबल में तो कोई मुकाबला खेला नहीं है अब तक। भारत का पहला ही मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है 10 सितंबर को है, जो कि आप जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर है और एक मुकाबला खेला, एक ही जीता है। इनकी नेट रन रेट इतनी अच्छी है जितनी बांग्लादेश की खराब है, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छी बात यह है कि अगर जो आगे जाके नेट रन रेट का पैच फंसता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एडवांटेज मिलेगा और इंडिया को भी इतनी बड़ी मार्जिन से हराना होगा, या तो बांग्लादेश को या श्रीलंका को, या तीनों ही मुकाबले जीतने होंगे इंडिया को। देखने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग बात तब हो जाएगी, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की बढ़ी हुई नेट रन रेट बाकी टीमों के लिए चिंता का विषय है, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका, कहीं ना कहीं सबकी नींद उड़ाएगी।